बात करते हैं हिंदुस्तान, तो बहुत पीछे अगर हम लोग जाएँ तो अगर शुरू करें पढ़ना, जो बाकायदा कागज़ पे एक हिस्ट्री लिखी गई है, वहाँ से हिस्टोरियन जो है वो प्रेफर कर। तो हम बात करते हैं मगध, और मगध आता है बिहार में, और वहाँ से एक तरह से आप गंगोत्री कह सकते हैं, एक हिंदुस्तान के शुरुआती दौर जो हिस्ट्री में लिखा गया, उससे पहले भी था बट उस तरीके से लिखा नहीं गया। ऐसे ही अगर हम लोग दिल्ली को पढ़ना अगर हम शुरू करें तो दिल्ली को पढ़ने के लिए हमें महरौली आना पड़ेगा। महरौली के आगे जहाँ एक गांव लगा है, एक ज़माना था जब महरौली बहुत बड़ा एक शहर होता था और जिसका मुकाबला बुखारा और बड़े बड़े समरकंद और बड़े बड़े जो सेंट्रल एशिया में जो शहर थे उनसे किया जाता था। और महरौली ही एक ऐसा शहर था जिसके बाद से जो है दिल्ली आगे धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई। तो बहुत ज़माने पहले, तकरीबन 1100-1200 साल पहले, यहाँ पे तोमर हुआ करते थे जिन्होंने किला पीछे बनाया जिसको आज भी हम लोग लाल फोर्ट के नाम से जानते हैं, राइट। एंड फिर उसके बाद जो है चौहान आए, जिसके राजा पृथ्वीराज चौहान बहुत खासा मशहूर है तारीख में। उन्होंने जो है एक और किला बनाया महरौली में ही, जो आगे मालवीय नगर तक को क्रॉस कर देता है, जिसको हम किला राय पिथौरा बोलते हैं। तो सिर्फ महरौली के अंदर 2 किले हैं और महरौली के अंदर एक पूरा जंगल है जिसका नाम है संजय वन। और फिर उसके बाद जब हिंदुस्तान में, मतलब पंजाब के खुले दरवाज़ों से अफ़गानी लोग, तुर्की लोग, ईरानी लोग जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने यहीं से जो है हिंदुस्तान पे हुकूमत करनी शुरू की। अब ये थे हुक्मरान, और उसके अलावा जो सूफ़ीज़ थे, क्योंकि जो दिल्ली की जो हिस्ट्री रही है वो सूफ़ी संतों के साथ साथ जो है पहलू दर पहलू जो है वो चलती रही। तो वहीं से जो है उन्हीं के साथ, उन्हीं खुले दरवाज़ों से जो है सूफ़ी संत भी हिंदुस्तान आए और यहीं उन्होंने अपना पहला आश्रम मनास्ट्री या खानका जो है वो सेटअप किया। जैसे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, वो इस बरीड इन अजमेर शरीफ, वो पहले यहाँ आए थे, फिर उसके बाद अजमेर शरीफ, और फिर उसके बाद जो है मुग़ल वो आए तो उन्होंने अपने थोड़े यहाँ पे जो है सेटअप किया, और फिर उसके बाद ब्रिटिश, मतलब पूरे 1000-1200 साल की हिस्ट्री में जो महरौली है उसका एक खासा मकाम जो है हो रहा है। मतलब महरौली के बाद बहुत सारे शहर बने, मतलब आप पढ़ते हैं ना, मतलब हेरिटेज मोन्यूमेंट के सामने बोर्ड लगा होता है सिटी ऑफ सिटीज़, मतलब दिल्ली में बहुत सारे शहर हुआ करते थे जो बने और फिर बिगड़ गए, पर जो महरौली था वो ऐसे ही बरकरार रहा और आज भी। इनफैक्ट 19th और 20th सेंचुरी में जो ब्रिटिश लोग थे, और ख़ासकर जो पुरानी दिल्ली, जिसको पुरानी दिल्ली बोलते हैं, उस ज़माने में शाहजहानाबाद बोला करते थे, शाहजहानाबाद के जो अमीर लोग होते थे और ब्रिटिश लोग होते थे, उन लोगों की पसंदीदा जगहों में शुमार थी महरौली, क्योंकि ये खासा थोड़ा सा हाइट पर थी। तो लोग क्या करते थे कि गर्मियों में अक्सर जो है बरसात से ज़रा पहले जो है शाहजहानाबाद के लोग जो हैं और यहाँ आकर शिफ्ट हो जाते थे। तो यहाँ जो है, मतलब यहाँ का जो स्ट्रक्चर वो चीज़ें आज भी एज इट इज़ हैं, यहीं से जो है एंट्री होती थी, और इस तरफ जो है सारे बाग हुआ करते थे जिनको अमराई बोलते थे, आम के बाग। वहाँ के लोग आते थे, यहाँ पे कैंप वगैरह लगाते थे और झूले वगैरह झूला करते थे, और ब्रिटिश लोगों के समय पैलेसेस यहाँ पे हुआ करते थे। एक मैककाफ हाउस खासा मशहूर है जो आर्कोलॉजिकल पार्क में, तो यहाँ के जो लोग थे वो मैककाफ नाम नहीं ले पाते थे, तो कहते थे मटका कोठी। और यहाँ बहादुर शाह जफ़र और उनके जो फादर थे अकबर शाह, उनका भी समर पैलेस यहीं पर, तो हम लोग वहीं जाएंगे। तो इसका एक राउंड ले लेते हैं, तो आपके माइंड में रहेगा कि महरौली की इम्पोर्टेंस क्या है वाइल वी वॉकिंग। तो लेट्स टेक अ तो किसने वो देखा है जोधा अकबर मूवी, आई एम श्योर लाइक सभी ने देखा होगा। तो उसमें काफ़ी फेमस एक सीन है जिसमें अकबर जो है अपने ब्रदर को नीचे फेंक देता, जिसका नाम होता है अदम खान, दैट द सेम गाइस। और इला अरुण ने जो रोल प्ले किया है महामंगा का, उनकी मदद की, उन दोनों की कब्रें यहाँ पर है। हुआ ये था कि अकबर जब बहुत छोटे थे तो उनके साथ जो है बाकी बच्चे भी जो है साथ में रहते थे, तो मुग़लों में एक रवायत ये थी कि माएँ जो होती थी मलिकाएँ, वो बादशाहों के साथ जो हमेशा ज़्यादातर जंग के मैदानों में या ट्रैवल वगैरह किया करते थे वो लोग, तो उनके पीछे जो है दाइयाँ हुआ करती थी जो बच्चों को दूध पिलाया करती थी। अब होता ये था कि जैसे मैं अकबर और मैं अपनी दाई माँ का दूध पीता और उनका सगा बेटा जो है वो साथ में है और मेरी ही उम्र का है, तो वो मेरा दूधा भाई कहलाए। और अक्सर ये देखा गया कि मुग़लों में खून के रिश्ते को दरकिनार कर दिया गया, पर जो दूधा वाली जो एक कनेक्शन था उसको जो है ऊपर रखा गया। आदम खान जो थे वो इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कहते हैं कि वो घमंड में आ गए और लूटपाट मचाने लगे और कभी जो है वो हिसाब नहीं देते थे। तो कई बार जब उनकी शिकायतें की जाती थी तो अकबर जो है बड़े खामोशी के साथ और इत्मीनान से बोलते थे कि मेरे और अधम के दरमिया दूध की धारा बहती है, जो हेल्पलेस। बट एक दिन जो है उन्होंने बिल्कुल हद पार कर दी और उन्होंने अटका खां वज़ीर को जो है कत्ल कर दिया और अधम खान को नीचे फेंक दिया। तो हम लोग फटाफट 5 मिनट लगे। एक और बात कि आप लोग लेकिन मेरे पास राइट और वक्त बहुत कम होगा, तो एक टोटल आपको यूँ कि आप क्या निकलवाना ओके, तो ब्रिटिश लोगों की बहुत अच्छी बात थी कि वो ऐसे मॉन्यूमेंट का बहुत सही इस्तेमाल करते थे। बाकी लोग इस चीज़ को बहुत गलत मानते हैं, पर मेरे हिसाब से सही था ये करना। तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि 19वीं सेंचुरी में जो भी वो अच्छा सा मकबरा देखते थे ऐसा उसको सरकारी बिल्डिंग बना देते थे, जैसा एक पोस्ट ऑफिस या फिर पुलिस स्टेशन। तो इसका भी इस्तेमाल एज ए पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन इवन रेसिडेंट के तौर पर किया गया और उन्होंने क्या किया इसको ग्रेव को हटा दिया। तो उन्होंने बुरा नहीं किया, गलत नहीं किया, क्योंकि दिस इज़ नॉट द एक्चुअल ग्रेव राइट। जो एक्चुअल ग्रेव है वो नीचे ग्रेव में है, महामंगा की भी आदम खान की भी, एंड यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक सेनोटाफ के तौर पर इस्तेमाल। तो यहाँ एक ज़माने में तकरीबन कई सालों तक जो है इस जगह को एज ए पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस इस्तेमाल किया। इनफैक्ट क्योंकि ब्रिटिश लोग ज़्यादातर लाल रंग पसंद करते थे, उसका एक सरकारी कलर हुआ करता था इस ज़माने में, तो उन्होंने इस पूरी बिल्डिंग को लाल कर दिया। 1970s में हमारे एक अंकल थे, लाइक ही वॉज वन ऑफ द लास्ट जमींदार ऑफ अलाहाबाद, तो उनकी कुछ जागीरें यहाँ हुआ करती थी, तो ये उसमें आता था। तो बताते हैं कि 70s में और 60s में जब वो मुग़लों के साथ यहाँ आते थे तो इस बिल्डिंग जो था वो दूर से नज़र आता था और वो रेड हो गया था। अभी हाल ही में जो है ASI ने इसको एसिड वॉश से जो है सारा रेड कलर जो है वो हटा दिया और ये अब इस कलर में हम लोगों के सामने। इसको भूत या क्यों कहते हैं, इसके पीछे बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है, बट कि कुछ अर्सा पहले बारात यहाँ आई एंड कुछ लोग थे दे गॉट कंफ्यूज बिकॉज इट हैज़ मैनी डोर्स। एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये थी कि अराउंड 1995 में एक बुक आई थी ब्रिटिश ऑफिसर ने लिखी थी, इट्स अबाउट दिल्ली, और उन्होंने इसका बहुत सही मतलब इसमें लिखा है कुछ चीज़ें कि क्योंकि हमको रीज़न हुआ करते थे कि अकबर का भाई था इसलिए उसने इतनी बुलंदोबाला इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई। दूसरा रीज़न ये था क्योंकि उसको सजा दी गई, इसलिए जो उसने इस तरीके से इसको बनाया था ताकि लोग जो है ईजीली इसमें पहुँचना। तो बहुत सारी जो इसमें जो पार्ट्स थे वो वक्त के साथ साथ गिर गए, तो सिंपल ये मकबरा रहा। तो लेट्स बिकम लोग एंड थोड़ा सा हम लोग जल्दी चलेंगे और सफल। कहा जाता है और अभी भी होता है कि लोग प्रेफर करते हैं कि ऐसे सूफ़ी संतों के आजू बाजू में उनको कब्र के लिए जगह मिले। तो अगर आप किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, किसी टॉपिक पर हिस्ट्री से रिलेटेड, और अगर आप किसी कब्र ढूंढ रहे हैं किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की, तो आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए कि ऐसी कोई दरगाह या सूफी संत है जहाँ कब्रिस्तान हो तो वहाँ आपको इजीली मिल जाएगा। जस्ट लाइक दिल्ली के अंडर में तकरीबन 7 एजेंसियाँ हुआ करती थी जहाँ से टैक्स आता था, लाइक पटौदी, जुजाना, फरुखाबाद और दो दिन और चीज़ें गुजरते नहीं आ रहा है। सो और एक झज्जर एक जगह थी और लोहारू एक जगह थी, तो उन्हीं का कब्रिस्तान है ये, शायद झज्जर वालों का है क्योंकि नवाब और झज्जर जो है उन्होंने अंदर एक मस्जिद भी तामीर कराई है। अब जैसे ये है कि इस पर लिखा हुआ है दागे फिराक सोबत शब की चली हुई, एक शमा रह गई थी वो भी खामोश हुई, तो एक मोमेंट कभी चला होगा एक ज़माने में और ये आखिरी बुज़ुर्ग रहे होंगे, उसको आपको देखा हाल देखने वाले एंड ही डाइड, सो उनको यहाँ पर दफनाया गया। तो इस तरीके से बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर दफन हैं। एक किताब है जिसका नाम है कई चांद थे सरे आसमां, जिसको शमशुर रहमान फारूकी साहब ने लिखा है और दिल्ली के का बेस्ट नावल है। उसको अगर आप पढ़ें तो उसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, मिर्ज़ा साहब करके, तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो इसके आस पास दफन हैं। अनफॉर्चुनेटली दीज पीपल दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। 19th सेंचुरी की शुरुआत में उनके फादर अकबर शाह सानी ने इसकी शुरुआत की थी, फिर बहादुर शाह जफर ने इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए और ये कहा जाता है कि जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की MG रोड एक्चुअली में वहाँ हुआ करता एक ज़माना। इस पर्टिकुलर रास्ते को हाथी पोल कहते हैं। हाथी पोल, पोल जो वर्ड है वो दरवाज़ों के लिए आया है और अक्सर जो है गुजरात और राजस्थान के किलों में आपको देखने सुनने और लिखा हुआ मिले। तो ये कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर जो साल में तकरीबन 2-3 महीने, और रिसेंटली मैं किताब पढ़ रहा था जिसका नाम है बहादुर शाह जफर की लाइफ शबो रोज़, रात और दिन, तो उसे रोज़ नामचा भी कहते हैं, मतलब डेली डायरी, जिसमें जो है बहादुर शाह जफर की रातों का हिसाब, थोड़ी खैर दिन का हिसाब जो उसमें काफ़ी खासा लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है कि अक्सर बहादुर शाह जफर जो है वो 4 महीने के लिए जो है वो यहाँ आ जाते थे अपनी फैमिली से दूर और शिकार खेला करते थे। यहाँ पास में ही जो है वो शिकार गाहें बनी हुई थी और बहादुर शाह जफर को जो है इजाज़त नहीं थी कि वो यहाँ से 7-8 कोस दूर तक चले जाएँ, तो क्या करते, क्योंकि कंपनी बहादुर जो है उनको लगता था कि अगर वो बाहर चले जाएंगे तो शायद बगावत कर सकते हैं, तो क्या करते थे कि बहादुर शाह जफर जो है हवादार उस ज़माने की सवारी होती थी जिसको जो है 4 कहार जो है वो लेकर चलते थे, एक बॉक्स टाइप में होता था और सर्दियों में जब चलते थे तो पूरा वो जो हवादार होता था वो शीशे से कवर होता था और बहादुर शाह जफर तड़के 3 बजे जो है वो निकलते थे यहाँ से और आसपास के जंगल में जो है वो अपना बंदूकबाजी किया करते थे। और ये कहा जाता है कि सुबह 8:30 बजे, मतलब ब्रेकफास्ट से तुरंत पहले जो है वो बहुत सारा शिकार जो है वो यहाँ ज़फ़र महल में लाया करते थे और पूरे जो ज़फ़र महल में नौकर जाकर और खिदमतगार और उनके साथ रहने वाले लोग उसको खाया करते। तो अंदर चलते हैं एंड हम लोग एक अच्छी सी जगह देखेंगे कहीं बैठने के लिए। अगर आप ताजमहल जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बिल्डिंग है उसको भी इतनी तवज्जो मिलनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द वन ऑफ द लास्ट बिल्डिंग यू नो बाय मुगल्स। तो यहाँ लोग आते नहीं हैं और जब नहीं आते हैं तो होता ये है कि ये जगह पार्क के तौर पर और जुए खाने के तौर पर इस्तेमाल होती है। खैर एनीवेज, क्योंकि हम लोगों का जो आज मौजूद जो टॉपिक्स हैं वो दिल्ली तहजीब है, तो पहले मैं आप लोगों को वेलकम करूँगा कि आप कुछ क्वेश्चंस अगर आप मुझसे पूछें दिल्ली की तहजीब से रिलेटेड, लाइक फूड या गेम्स, बोली ठोली, पहनावा और वहाँ के लोगों के बारे में, या कैसे भी आपके पास सवाल हों आर्किटेक्चर को छोड़ के, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो मैं ही शुरू करता हूँ। दोस्तों, मुग़लों ने दिल्ली को राजधानी बनाया तकरीबन 1631 में। ये हुक्म जो है वो जारी हुआ अकबराबाद आगरा से। उसके पीछे 2 रीज़न थे। एक रीज़न ये था कि शाहजहाँ की जो मलिका थी मुमताज़ महल का इंतकाल हुआ तो शाहजहाँ को गहरा सदमा पहुँचा। और फिर उसके बाद जो है वहाँ क्योंकि आबादी बढ़ रही थी और आगरा अगर आप अब भी जाएँ तो खासा गर्म होता है और एक अजीब सी इरिटेशन होने लगती है वहाँ पे। मॉन्यूमेंट्स वगैरह से बाहर निकल आए वहाँ पे तो वहाँ की तंग गलियाँ और गर्म आबो हवा जो थी उसको छोड़ना पड़ा शाहजहाँ को और उसने फैसला किया कि दिल्ली में जो है राजधानी बनाई जाए। तो पहले जो है एक इमारत देखी गई जिसका नाम था पुराना किला, जिसको हम आज के नाम से जानते हैं और जिसे बोलते थे किला घुगना। घुगना एक फारसी का वर्ड है जिसका मतलब होता है पुराना। तो किला घुगना जो है वो देखा गया पर जो नजूमी थे, ज्योतिष जिन्हें बोलते थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि क़िबला आलम यहाँ जो है पुराने किले में जिस भी बादशाह ने हुकूमत की है उसने अपनी जान से हाथ धो दिए। जैसे हुमायूं जब वो जंग फतह करने के बाद आया तो ये कहा जाता है कि हुमायूं जो था वो पुराने किले के अंदर एक बिल्डिंग है विजय मंडल, उसकी सीढ़ियों से गिर के उसकी डेथ हो गई। तो वो मुग़लों के लिए काफ़ी जो है वो बैड लक लेके आया तो उन्होंने जो है उसको छोड़ दिया। तो उन्होंने जो है जमुना के किनारे जो है आज जो है वो शहर आबाद है वहाँ जो है वो जगह पसंद की। और ये कहा जाता है कि जो उसको बनाने वाले थे उस्ताद, उन्होंने जो है वहाँ पर नींव बुनियाद रखी और तकरीबन 2 महीने के लिए गायब हो गए। जब वो 2 महीने बाद वापस आए तो शाहजहाँ ने उनसे तलब किया कि आप कहाँ गायब हो गए। तो उन्होंने बताया कि क़िबला-ए आलम हम ये देखना चाहते थे कि जमुना का पानी इस बुनियाद को जो हम बना के गए हैं उसको कहाँ तक काटता है, बट हम इसमें कामयाब हुए हैं और यहाँ पर जो है वो इमारतें बन सकती हैं। तो इमारतें बनने का काम शुरू हुआ और कई करोड़ रुपए जो है कि लागत के साथ जो है लाल किला और लाल किला के बाद जामा मस्जिद और जामा मस्जिद के बाद बाकी जो हवेलियाँ और इमारतें थीं वो बनी और उसको जो है वो एक दीवार के साथ जो है उसको कवर कर दिया। ये कहा जाता है कि शाहजहाँ के इस फैसले ने जो है हिंदुस्तान को एक सुनहरा दौर दिखाया। एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई तो हिंदुस्तान के गोशे गोशे से जो है आर्टिस्ट लोग और शायर लोग और हर तरह के जो लोग थे वो दिल्ली की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू हुए और दिल्ली जो है बहुत बड़े एक शहर के तौर पर जो है दुनिया के सामने आया। अब एक सुनहरा दौर चल रहा था पर अनफॉर्चुनेटली जो है औरंगज़ेब, ये कहा जाता है कि शाहजहाँ के बेटों में जो है वो जंग हुई और फिर उसके बाद शाहजहाँ को बंदी बना लिया और फिर धीरे धीरे जो है ये दौर जो है वो ख़त्म होता गया और फिर नए बादशाह आते रहे और फिर एक वक्त आया 1739 का। 1739 में एक बहुत बड़ा हमला हुआ और नादिर शाह ने दिल्ली को उजाड़ कर रख दिया और अपने साथ कोहे नूर, दरियाए नूर और तकरीबन 70 करोड़ कैश और एक तख्त ताउस लेकर ईरान वापस गए। और फिर उसके बाद जैसे दिल्ली में हमलों का सिलसिला शुरू हो गया और होता ये था कि हर 2-4 साल बाद जो है कोई ना कोई हमला कर देता था। पहले तो ईरानियों ने लूटा, फिर उसके बाद जो अपने थे उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे अगर हम बात करें कि रोहिल्ला के पठान जो थे, मलिहाबाद मलिहाबाद और शमशाबाद एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के पठानों ने जो है वो दिल्ली को लूटा। और फिर उसके बाद जाट जो थे, जाट राजा ये भरतपुर के जाट, उन्होंने जो है वो दिल्ली को लूटा। सिखों ने दिल्ली को लूटा, मराठों ने दिल्ली को लूटा। इस तरीके से जो है इसको लूटते रहे। तकरीबन 1803 में जाकर जो है ये हमलों का जो सिलसिला था वो थमा। इस दौरान जो थे एक कहावत बड़ी मशहूर हो गई, दिल्ली दिल वालों, जो आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत पुरानी कहावत है। कहा यह जाता है कि जो दिल्ली के रहने वाले थे वो ये कहा करते थे कि दिल्ली में रहने के लिए आपको लोहे का जिगर चाहिए, मतलब इतना खून खराबा आप देखते हैं। तो जो यहाँ रहेगा वो बड़े दिल वाला हो, तो तभी से जो है ये कहावत आगे 1803 के बाद जैसे ही जो है हमलों का सिलसिला थमा तो जो है एक नई तहजीब ने जो है जन्म लिया जिसको हम दिल्ली तहजीब के नाम से जानते हैं, जो पुरानी है पर 1803 के बाद फली और फूली। जब हमलों का सिलसिला थमा तब लोगों ने जो है मनोरंजन की तरफ जो है वो ध्यान दिया और फिर उसके बाद हुआ ये कि दिल्ली की गलियों में खुशियाँ वापस लौट आई। तो पहले तो हुआ हवेली के कल्चर के ऊपर हम लोग जिक्र करते हैं। हवेली जो दिल्ली, पुरानी दिल्ली की मशहूर है, जो वर्ड हवेली है ये एक फारसी का वर्ड है और जिसका मतलब होता है ज़मीन का एक टुकड़ा। और एक ज़माने में तकरीबन 14वीं सदी और 15वीं सदी में बगदाद और बाकी इलाकों में जी हवेलियाँ ये ऐसे तरीके से बनाई जाती थी, वो चोरों से डाकों से बचने के लिए बनाई जाती थी। और अक्सर ख़ासा तौर पर जो मिलिट्री कैंप वगैरह जो होते थे वो जो है वो इसमें रहा करते थे। तो तब से जो है ये डेवलप होती हुई जो है आम लोगों के बीच में है। हवेली क्या थी, एक मुग़ल इमारतों का पूरा एक जखीरा हुआ करता था जिसमें बहुत सारे दर दालान और आचेज वगैरह होते थे। होता ये था कि एक संघ का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा होता था और फिर उसके बाद जो है 3 सीढ़ियाँ उतर के जो है आप दालान में पहुँचते थे जिसे आप सहन भी बोलते हैं, और फिर उसके बाद 2-3 फ्लोर उसमें हुआ करते थे। और दालान मतलब चौबारा जो होता था वो होता ये था कि आपकी जितनी भी कल्चर एक्टिविटीज़ जो होंगी वो चौबारे में होंगी। तो ओके, सो अगर आप चाहें तो आप लोग बैठ सकते हैं, लाइक इफ यू, क्योंकि हम लोग कुछ देर यहीं पे रहेंगे। और शादी ब्याह का माहौल हो या घर में किसी बच्चे की पैदाइश हो तो होता ये था कि तवाइफों को बुलाया जाता था, रक्कासाओं को बुलाया जाता था। तो ऊपर वाली जगह पे जिसको हम लोग बाम बोलते हैं, जैसे ये वाला फ्लोर है, तो यहाँ बैठेंगी औरतें चिलमन के पीछे, पर्दे के पीछे, और नीचे जो है महफिल जमेगी। अब महफिल कैसे जमेगी कि नीचे पहले सफ़ेद चांदनी बिछाई जाएगी और फिर उसके ऊपर जो है वो कालीन बिछाया जाएगा, फिर चांदनी बिछाई जाएगी, फिर सफ़ेद सफ़ेद जो है वो गाँव तकिए, गोल तकिए जो है वो लगाए जाएंगे। और चांदनी के चारों तरफ जो है मीर फर्शी जिसे बोलते हैं, ताकि चांदनी जो है वो अपनी जगह से हटे ना, वो लगाया जाएगा। और फिर उसके बाद जो है वहाँ पे हुक्के लगाए जाएंगे। दिल्ली में हुक्कों को बोला जाता था भिंडा और अवध की तरफ बोला गया फर्शी। तो हुक्के जो हुक्के वहाँ पे लगाए जाएंगे, पानदान रखे जाएंगे, खासदान रखे जाएंगे, और फिर उसके बाद अमीर उमरा और पड़ोसी और उसी जो है सारे आकर बैठेंगे। और फिर उसके बाद तकरीबन 7, 7:30, 8 बजे जाके शाम को जो है महफिल कूच पर आएगी और रक्स जो है वो शुरू होगा। तो होता ये था कि जब नीचे जो मर्द लोग ऐसे बैठे होते थे तो वो जब बहुत ज़्यादा किसी गाने पर या किसी शेर पर बहुत खुश होते थे तो क्या करते थे कि कुछ पैसे जो है वो जो खाने में रहती थी उनके साथ, जो तवाइफों को लेके आती थी, उनके सामने जो है वो रख देते थे और वो इस तरीके से तस्लीम कहती हुई और ममनून भी कहती हुई जो है वो कबूल कर लेती थी। अब औरतें क्या करती थी कि औरतें जो है वो ऊपर से जो है वो हल्का सा इशारा करती थी और फिर उसके बाद अपने पल्लू में जो भी या पैसा जो भी वो नजराना पेश करना चाहती हूँ वो बांध कर जो है वो नीचे लटका देती थी। तो खानिम नायिका जो है बोलती थी और फिर उसके बाद जो है वो खोल कर जो है इस तरीके से कॉर्नर्स बजाते थे और फिर आ जाते थे। और जो साजिंदे जो होते थे, तबला बजाने वाले या हारमोनियम बजाने वाले, दे दिया करते थे। तो हवेलियों का जो माहौल था वो एक जॉइंट फैमिली की तरह होता था, जिसमें एक घर के बुजुर्ग होते थे और फिर उसके बाद जो है चाचा चाचियाँ और सारे के सारे रहा करते थे। I'm sure like आप लोग इन सारे कल्चर से वाकिफ़ हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं बताऊँगा। मेरा बस कहना ये है कि जो ये कल्चर आए वो इस तरीके से यहाँ से निकल कर आए। और फिर उसके बाद जो है ये दिल्ली का एक माहौल ये था कि सुबह जो है जो बहू बेटियाँ होती थी उनको इजाज़त नहीं होती थी कि वो बावर्ची खाने में जाए। मतलब हम लोग इतना ज़्यादा ओपन होते थे, आराम से हम लोग उठते थे दिल्ली में। और जो ब्रेकफास्ट जो होता था वो आता था बाहर से। आज भी अगर आप पुरानी दिल्ली जाएँ तो आप देखेंगे कि वहाँ पर हलवा नागौरी और पूरी मिलती है। ये उस ज़माने में भी जो है वो आया करता था। हिंदुओं घरों में जो है होता ये था कि आलू की सब्ज़ी और पूरी आती थी। मुस्लिम घरों में जो है वो रुमाली रोटी और कबाब और इस तरीके की चीज़ें जो है वो आया करती थी। ऑफकोर्स सुबह उठने के बाद जो घर की बड़ी बुढ़ियाँ होती थी वो कुछ ना कुछ जो है वो चाय का रिवाज ऐसा था नहीं, पर चाय पीने वालों को बड़ा बुरा समझा जाता था। और कई ऐसे लोग थे जिनको बहुत प्रोग्रेसिव बोला करते थे, वो लोग कॉलेज वगैरह जाते थे तो वो लोग चाय और पीते हुए और कॉफ़ी पीते हुए अपनी शान समझते थे। ये ज़माना था 1930 और 40 के आसपास का। खैर, अभी जो हम लोग बातें करेंगे वो 1803 से लेके 1857 के दरमियान की करेंगे। इसके बाद आता है खाना। जो दिल्ली का जो खाना है वो दुनिया के हर गोशे गोशे में बहुत ज़्यादा मशहूर है। और ख़ासकर जो है दिल्ली की दालें, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, ये मुँह और ये मसूर की दाल, कभी सुनी? तो दिल्ली के जो माथुर थे उनके यहाँ पर 2 डिश बनती थी। एक थी शबदेग। शबदेग होती थी जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स और गोश जो है मीट को रात में पका कर जो है वो आपके सामने सर्व किया करते थे। वो ये कहा जाता है कि बहादुर शाह ज़फर ने भी जो है वो अपने मतलब तारीफ में, अपने खतूत में जो है इस चीज़ का जिक्र किया है कि उनसे अच्छा शबदेग जो है वो दिल्ली में कोई नहीं बनाता। दूसरा था मसूर की दाल। मसूर की दाल के लिए कहा जाता है कि बहुत अच्छी जो बनेगी उसके खाने में जो है तकरीबन 1.5 या 2.5 अशरफी का खर्चा है। जस्ट इमेजिन, मतलब 1885 में जो है तकरीबन 5 पैसे का ऐसा दूध मिलता था कि आप अगर आप उसमें सीख डालें तो खड़ा रहे। और हम बात कर रहे हैं 1857 से पहले की। और अशरफी मतलब सोने का सिक्का, और उससे लगा कर जो है आप दाल पकाएं। तो बुज़ुर्गों ने जो है ये कहावत निकाली कि यह मूंग और ये मसूर की दाल, मतलब हर किसी को ये दाल मैसर नहीं थी। तो अगर आपकी अम्मा दाल बनाए ना तो आप आराम से खा लें। राइट, नहीं ये हमारे घर में तो बड़ा चलता है कि अगर हम दाल के लिए नाखूनों से घोड़े तो हमें डांट। फिर मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैं चीज़ों को थोड़ा लिख के लाया। तो खाना पकाने के लिए होता ये था कि जो नाम जो होते थे, में नाम होते थे सोयम दोयम, मतलब ये बावर्चियों की डेजिग्नेशन, और देगशो और रकाबदार। तो ये देगशो जो होते थे वो क्या करते थे, उनमें बड़ी माहिर हुआ करते थे देगों को धोने के लिए। अगर आप जो आप देग देखते हैं वो बड़ी बड़ी वही देग नहीं होती थी, छोटी छोटी हांडियाँ भी जो हैं इतनी बड़ी, उनको भी देग बोला जाता था। अगर आप कश्मीर जाएँ और कश्मीर में जो है आप देखें वहाँ पर वो खाना पकता है या वाजवान, वो छोटी छोटी हांडियों में जो है पकता है। वो छोटी छोटी देग जो है वो दिल्ली में खासा मशहूर हुआ करती थी। और फिर उसके बाद आता था रकाबदार। तो रकाबदार कौन होते थे? रकाबदार होते थे जैसे आपके घर में कोई मेड है या कोई बावर्ची वो खाना पकाएगा, पर जो है आपकी अम्मा जो है वो टेबल पर जिस तरीके और सलीके से रखेंगी वो एक हुनर कहलाए। और ये होता था रकाबदार कि खाना तो पक गया पर पेश करने का तरीका बहुत अलग होता था। कि मतलब अगर कोई भूखा नहीं है तो वो देखकर जो है दस्तरखान को उसकी जो है गिदा, उसकी भूख जो है जाग जाए। तो रकाबदारों का काम बहुत अलग होता था, अलग अलग तरह की सलादें वो जो है वो बनाया करते थे। तो ये रकाबदार होते थे और इनकी अच्छी खासी तनख्वाहें हुआ करती थी। ये रकाबदार दिल्ली के अमीरों के घर में भी होते थे और शाही किले के अंदर भी होते थे। अब शाही किले के जो दस्तरखान होता था उसमें होता ये था कि खासे का धोखा। खासा क्या होता था? खासा होता था वो खाना जिसे बादशाह जो है वो नोश फरमाएंगे। तो अक्सर ही कहा जाता था कि किबला आलम बादशाह यार खासा तैयार है नोश फरमा, मतलब खाना तैयार नहीं है, खासा तैयार है नोश फरमा। और इस बावर्ची खाने की देखरेख करने वाली एक औरत होती थी जिसको बावर्ची खाने की खासे की दरोगा कहा जाता था। इसकी जिम्मेदारी होती थी कि खाना जितना पक जाएगा और पकने के बाद जो है दस्तरखान पर जब लगाया जाएगा तो उसको सील लगा के, मतलब ये भैया चेक कर लिया गया इसमें जहर नहीं, सील लगाकर जो है वो रखा जाएगा। और फिर उसके बाद जो है बादशाह सलामत क्या करेंगे कि बादशाह सलामत जो है फिरनी में पहला चमचा डालेंगे। जब वो चमचा डालेंगे तो वहाँ से जो है आवाज़ वो जो चौकदार होगा, जो नकीब होगा, वो आवाज़ लगाएगा कि दिल्ली सुबहानी ने जो है वो पहला निवाला खाया। तो नक्कार खाने तक आवाज़ जाएगी और नक्कार खाने तक आवाज़ जाने के बाद जो है ड्रम बजना शुरू होंगे। और जब ड्रम बजना शुरू होंगे तो वहाँ से आवाज़ जाएगी आगे दिल्ली गेट और लाहौरी दरवाजे तक। और वहाँ पर जो है तकरीबन 7.25 मन के आटे की रोटियाँ, कबाब और दाल जो है गरीबों में तकसीम की जाएगी। ये रोज़ का मामूल हुआ करता था दिल्ली के। खैर ये तो रहे शाही खाने। शाही खानों में जैसे अब हर तरह की रोटियां होती थी, बाकर खानी रोटियां ले लीजिए आप या खमीरी रोटियां ले लीजिए, हर तरह के कबाब जो है आप ले लीजिए। अक्सर जो है हिरन के गोश्त के कबाब जो है खासा पसंद किए जाते थे लाल किले के अंदर। वैसे इसकी एक पूरी लिस्ट है बट हमेशा जो है वो टाइम की बड़ी तंगी रहती है। अच्छा, खाने के लिए जो दिल्ली वाले होते थे उनके लिए मतलब खाना ऐसा होता था कि अभी जो है हम लोग हाथ से खाने में बड़ा अपनी शान समझते हैं कि बोलते हैं अरे यार तुम क्या फोक वोक यूज़ कर रहे हो। तो ऐसे खाना कभी नहीं खाया जाता। तो होता ये था कि खाना खाने के लिए ये उंगलियाँ इस्तेमाल होती थी, सिर्फ इतनी, मतलब ये भी नहीं होती थी, सिर्फ इतनी। और सिर्फ यहाँ से अगर ऊपर खाना लग गया तो बेअदबी कही जाती थी। और उसको जो सिर्फ इस तरीके से नज़ाकत से रोटी तोड़ी जाती थी कि दूसरा हाथ जो है वो आप रोटी में इतना ज़्यादा मशहूर हुए, कहा जाता है कि शेर के शेर जो है वो चावल और शेर का शेर जो है वो मीट और लाइक इतना खाया करते थे, इतना खाया करते थे कि वो जो है कि कोई उनको अपने यहाँ दावत पे बुलाता नहीं, मतलब अगर किसी ने बुला लिया तो उसके यहाँ पूरा का पूरा राशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक बार एक हकीम साहब थे और हकीम साहब को जो है किसी ने जो है वो चैलेंज दिया कि भैया आप जो है पहलवान को अपने यहाँ दावत पर बुला के दिखाएँ। तो हकीम साहब ने मंजूर किया और हकीम साहब ने जो है उसको अपने यहाँ दस्तरखान पर बुलाया। अब हुआ ये कि भैया हकीम साहब ने जब उसे बुलाया तो उन तीनों ने शर्त लगाई थी, वो लोग भी आ गए वहाँ पे। अब हकीम साहब आके वहाँ बैठ गए, उन्होंने कहा भैया आपके लिए जो है बावर्ची खाने में पुलाव बन रहा है। तो पुलाव जो है वो इंतज़ार करने लगे, अब आएंगे अब आएंगे। 10 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया। अब पहलवान साहब उठने लगे, कहने लगे कि हकीम साहब आपने जो हमारी जो है यहाँ पर बुलाकर जो मदम्मत की है वो हमें बहुत खासा नागवार पहुँची, हम तो चल जा रहे हैं यहाँ से। तो हकीम साहब ने कहा बैठो तो सही। इतने में जो है एक खिदमतगार जो है पुलाव लेकर आया। तो पुलाव लेकर आया वो इतने से प्लेट में इतने से पुलाव लेकर आया। पहलवान ने उसको देखा, वो खून तो काफ़ी खोला उसका, पर बेचारा भूखा था। उसने क्या किया, एक बार में जो है वो पुलाव खा लिया। कुछ देर बाद जो है जब हकीम साहब ने कहा कि अब खाना आपके लिए आएगा, पहलवान का कहना ये था कि बस हकीम साहब बस, इससे ज़्यादा मैं खा नहीं सकता। और उसने पहली दफ़ा ये एडमिट किया कि ये खाने के बाद मेरा पेट एक्चुअली में भर गया। तो वहाँ हकीम साहब ने जो है फिर ये जुमला कहा कि तुम आदमजात हो, जानवर थोड़ी हो कि जानवर की तरह इतना खाओगे। आदमजात इतना खाएँ कि उतने में ही उनका पेट भर जाए। इस तरह के पुलाव बनते थे दिल्ली के अंदर कि आप जो है इतना खाएंगे तो आपको लगेगा कि आपने ना जाने कितने वक्त का खाना जो है खा लिया। तो ये कहते हैं कि लखनऊ वालों ने पुलाव की इजाद की, कहीं ना कहीं वो ठीक भी हैं, पर दिल्ली में भी बहुत अच्छे पुलाव बना करते थे। इसके अलावा जो है क्योंकि हकीमों का जिक्र हुआ है तो उनकी बात ना करें तो सही नहीं रहेगा। दिल्ली के जो हकीम थे वो बड़े मशहूर हुआ करते थे और इतना ज़्यादा मशहूर होते थे कि आप सिर्फ नब्ज़ देखकर जो है वो आप उसकी पुश्तों तक की बीमारियां जो है वो आपके सामने रख देते थे। तो एक बार जो है एक हकीम साहब से कुछ लौंडे जो थे, दिल्ली के जो लौंडे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब शरारती रहे। तो होता ये था कि एक हकीम साहब के पास पहुँच गए। जो हकीमों की जो गली थी ये कासिम जान वाली जो बल्ली मारान है वहाँ रहते थे सारे हकीम। तो एक कुछ लौंडे जो हैं वहाँ पे पहुँचे हकीम साहब की दुकान पर और जो है उन्होंने कहा कि भैया हकीम साहब आइए, एक मोहतरमा की तबीयत ख़राब है, चलकर जो है उनको जो है नुस्खा लिख दीजिए। तो हकीम साहब जो है वो चल दिए। तो क्या किया उन्होंने लड़कों ने कि अब जो औरतें होती थी, अब चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, पर्दा नशीन होती थी और जो है किसी भी गैर मर्द के सामने जो है वो आती नहीं थी। तो अगर हकीम जो होगा तो वो जो है वो क्या करेगा कि चिलमन के पीछे जो है इस तरीके से जो है वो बेगम साहिबा बैठी रहेंगी और वहाँ सामने जो है हकीम जो है वो बैठ के जो है नब्ज़ कैसे चेक करेगा कि उनका हाथ में जो है वो कलाई नहीं लेगा। वो ऊन जो है या धागा जो है वो कलाई में बांधेगा और फिर उसके बाद सिर्फ उसको पकड़ कर जो है वो बता देगा कि मर्द क्या है। अब ये जो लड़के थे उन्होंने जो है शरारत ऐसी की कि हकीम साहब को जो है वो चिलमन के पीछे जो है बिठा दिया और जो है वो हकीम साहब ने जैसे ही जो है उनको पकड़ा तो जो है और फिर उसके बाद वो खामोश हो गया। खामोश होने के बाद जो है उन्होंने जो है वो कुछ मीट जो है वो नुस्खे में लिख दिया। तो लड़कों ने कहा कि आपको कैसे पता कि पीछे बिल्ली बैठी हुई? कहते बेटा मैं तुम्हारे अब्बा की उम्र से ज़्यादा का हूँ और मैं हकीम हूँ। तो दिल्ली के जो हकीम थे वो इतना ज़्यादा आगे थे कि वो जो है वो अगर बिल्ली का पंजा भी उनको दिखा दिया गया तो उन्होंने जो है वो उसको पता कर लिया। इसी तरीके से बहादुर शाह ज़फ़र की मम्मी थी, उनकी तबीयत ख़राब हुई तो जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो एक हकीम साहब जो है वो वहाँ पहुँचे। तो हकीम साहब ने उनको जो है जुलाब तजवीज़ किया। तो बेगम साहिबा ने कहा कि जुलाब का जो कड़वाहट है वो उससे पी ना जाएगी। हकीम साहब ने कहा कि जी बिल्कुल कड़वा नहीं हो। तो बेगम साहब ने कहा कि कड़वा ना हुआ तो गाढ़ा ज़रूर होगा, उनका जी गाढ़ा भी ना होगा। तो बेगम साहिबा ने कहा कि अगर गाढ़ा ना हुआ तो अमलताज की बू ज़रूर होगी। तो बेगम तो हकीम साहब ने कहा कि जी उसमें अमलताज की भूमि ना होगी, बिल्कुल रकीक होगा और हर तरह की जो है वो खुशबू और लताफत से मैसर होगा, आप कहें तो मैं ले आऊँ। तो पहले तो वो समझी नहीं, उसके बाद उन्होंने जब देखा उनको तो बताया कि वो ठीक होगा, बस हुक्म करें। तो बेगम साहिबा ने जो है वो उनको इजाज़त दी और फिर उसके बाद जो है हकीम साहब उनको मौजूदा लेकर आया करते थे। तो मतलब उस ज़माने के जो लोग थे उनके हिसाब से जो हकीम जो लोग होते थे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे। अब हकीम साहब का जिक्र हुआ है तो एक छोटा सा किस्सा मैं बताऊँ। नहारी खाई है आप लोगों ने कभी, सुना तो होगा। तो नहारी जो है एक बड़ी फेमस डिश जो अक्सर लोग जो है उसको खाने के लिए पुरानी दिल्ली जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि नहारी जो है लखनऊ की ईजाद है, अलग अलग थ्योरीज हैं। रिसेंटली मैंने एक डॉक्यूमेंट में पढ़ा और ख़ासकर जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रोफेसर देहलवी जो है, फिरोज देहलवी, उन्होंने रिसर्च की तो उनके रिसर्च पेपर में भी लिखा है कि नहारी जो है वो दिल्ली की ईजाद है। तो हुआ ये कि शाह आलम का ज़माना था, बादशाह ज़फ़र के दादा का। तो उन्होंने शाह आलम में क्या किया, अब ये ज़माना था 1761 से लेके 1806 के दरमियान। तो चांदनी चौक के बीचों बीच जो है एक नहर बहा करती थी शाहजहाँ के ज़माने से, अब वो नहर जो है वो रुक गई। बादशाह सलामत ने जो है वो कहा कि उस नहर को जो है फिर से खोला जाए और फिर से जो है उसमें पानी डाला छोड़ा जाए। तो काम वहाँ पे शुरू हो गया, पर कुछ वक्त बाद जो है जब वहाँ पानी आ गया तो एक हकीम साहब थे जो बहुत मशहूर थे। तो उस ज़माने में अगर किसी को प्रोटेस्ट अगर करना होता था तो उससे 600 साल पहले मतलब महरौली में तो आपको लाल लिबास पहनना होता था, पर यहाँ 18वीं सेंचुरी में अगर आपको प्रोटेस्ट करना होता था तो आप ब्लैक लिबास मतलब कपड़े पहन कर दिखा कर आपको पता चल जाता था कि ये किसी बात की से खुश नहीं। तो हकीम साहब जो है उन्होंने काला लिबास जो है वो पहना और आगे जानी जो मशहूर किरदार थे ये, तो फ़ौरन जो है ये बात लाल किले पर पहुँच गई। तो शाह आलम ने जो है उनको बुलवाया कि हकीम साहब ऐसा क्या हुआ कि आपको काला लिबास पहनना पड़ा। तो हकीम साहब ने कहा कि वैसे ही जो है जो दिल्ली है वो जमुना के किनारे है, तो यहाँ लोग जो हैं वो मच्छरों से परेशान रहते हैं, ऊपर से जो है आपने जो है वो बीच में जो है नहर का काम शुरू करा दिया, पानी आ गया, अब लोगों को जो है वो खांसी जुकाम होना लाजमी है। शाह आलम का कहना ये था कि देखिए ये तो एक शाही फैसला था, अब तो वापस लिया नहीं जा सकता, अब आप ही कुछ करें इसमें। तो हकीम साहब जो है वापस अपनी लैब में गए, कई रोज़ तक जो है वो काम करते रहे और ये कहा जाता है कि उन्होंने एक रात जो है मसरत दोष मंगवाया और जो जड़ी बूटियाँ जो हैं वो दवाइयों के तौर पर जो है वो दिया करते थे, वो जड़ी बूटियाँ उन्होंने जो मीट में मिलाई और मिलाने के बाद जो है रात भर पकाया उसको और सुबह जब उसका शोरबा जब तैयार हुआ तो जो है उन्होंने अपने शागिर्दों को दिया। शागिर्दों को खाना पसंद आया तो उसके बाद जब सुबह मरीज़ आए तो उनको भी दिया। तो मरीज़ों ने जब उसको चखा तो उनको जायके में तो बहुत अच्छा लगा ही और 2-4 दिन बाद उनकी तबीयत भी जो है वो दुरुस्त हो। अब जो है दिल्ली की गली गली में जो है वो नहारी की दुकान जो है, अभी नहारी क्या होता था, नाहर इज़ लाइक अ फारसी वर्ड। पर एक प्रोफेसर और हैं दिल्ली में जो हज़रत निज़ामुद्दीन बस्ती के पास रहते हैं और काफ़ी मशहूर हैं, फ़ारसी के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। उनका कहना ये है कि फ़ारसी का मतलब नाहर का मतलब होता है दोपहर का खाना, पर बहुत सारी चीज़ें ये है कि नाहर मतलब सुबह, नाहर मुँह जो है वो कहते थे लोग, तो ये नाहरी दी जाती है। अब बादशाह सलामत ने जो है फिर से हकीम साहब को बुलवाया, कहा कि भैया तुमने जो काम किया है वो तो अच्छा है, पर इसमें तो ज़्यादातर जो है लोग मुसलमान कहेंगे वही खाएंगे, अब जो लोग जो है वो नॉनवेज नहीं खाते वो क्या करें। तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बात बता दो, अगली बार आप जाएँ तो लोग जो है वो देखते हैं। तो हकीम साहब वापस अपनी लैब में आए, आप देखते हो पीतल के बड़े से हांडी में जो छोले जो है वो बेचा है। हकीम साहब ने कोई इजाज़त किया और जो है फिर उसके पास से जो है दिल्ली के हर गली में जो है इस तरह के छोले जो है। अभी अगर आप किसी ठेले पर जाएंगे तो उससे पूछेंगे ना कि ये इसमें ऐसे क्यों रखा है, मतलब ये यूँ मतलब यूँ क्यों नहीं रखा, ये यूँ क्यों रखा है और ये तांबे पीतल का ही क्यों, तो ऑफकोर्स लाइक दे आर नॉट सपोज टू नो दिस कि भैया ये ऐसे क्यों है, बट उसके पीछे भी रीजन्स हुआ करते हैं। तो खैर ये खाना था। एक बार क्या हुआ, दिल्ली के बावर्ची जो है इतना ज़्यादा मशहूर थे कि दिल्ली का एक बावर्ची जो है वो लखनऊ पहुँचा। लखनऊ जब पहुँचा तो नवाब आसिफुद्दौला का ज़माना, तो नवाब आसिफुद्दौला ने जो है उससे पूछा कि क्या पका लेते हैं। अच्छा, ये पकाने और बनाने में बड़ा वो होता है, फ़र्क होता है। जहाँ हम लोग खड़े हुए थे वेट कर रहे थे भूल भुलैया पे, तो वहाँ से एक बार जो है फूल वालों की सैर का मेला लगा हुआ था। ये दाग के मेले का नाम सुना है आपको? मिर्जा गालिब के जैसे कि एक और बहुत बड़े शायर थे जिनका नाम था दाग देहलवी, और मिर्जा गालिब की जो वाइफ थी उनके रिश्ते में आते थे। तो ऐसे थोड़ा आप कनेक्ट कर पाइए, पर उनको इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। दाग देहलवी अगर आप गूगल पर सर्च करें तो वो आ गए। तो दाग देहलवी जो है अपने लड़कपन में मतलब बहुत बड़े आशिक मिर्जा, जब जो है वो महरौली आए तो एक आज तो पनवाड़ी की जो दुकानें होती हैं सिर्फ मर्द बैठा करते हैं, और एक ज़माना था पनवाड़ी की दुकान पे जो है ज़्यादातर औरतें बैठा करती थी। तो होता ये था कि आशिकी का अड्डा समझा जाता था ऐसी पान की दुकानों पर। तो वहाँ पर कुछ लौंडे खड़े हुए थे, तो बेचारे जो हमारे दाग देहलवी थे जिनका नाम नवाब मिर्जा था वो भी अपनी टोपी से काटे हुए और कहने लगे कि सुनो भी जरा 4-6 पान जो है वो लगा दो। तो पी साहब उन्होंने जो अपनी जूती पर हाथ लगाया और कहा बताओ कितने लगाए। तो यहाँ लगाने बनाने और पकाने में बड़ा फर्क होता है। तो जैसे बुजुर्ग कहते थे कि बेटा बना है तो बेवकूफ़ जाता है, पकाई तो बिरयानी जाती है। ठीक है, अब लगाई तो चपक जाती है, सेकी रोटी जाती है। घर होते थे उनमें अगर नौकर रखे जाते थे तो वो कैसे रखे जाते थे, उनकी परख ऐसे होती थी। उनसे पूछा जाता था कि खाना पकाया जाता है या बनाया जाता है। अगर किसी ने कह दिया कि बनाया जाता है तो उनको कितना रास्ता दिखाते थे, बच्चों पे कितना बुरा असर पहुँचेगा इस चीज़ का। तो ये होता था, बनाने और लगाने में बड़ा फ़र्क होता है। आज भी जो है कई घरों में जो है बड़ा टोक देते हैं इस चीज़ को। अक्सर जो है हमारे एक दुल्हन नहीं आई और जो है वो बेचारी गाजियाबाद की थी, उन्होंने कहा कि लाइए हम रोटी जो है वो बना देंगे। बेचारी जो उनकी जो सास थी बड़ा वो बिफर गई कि देखिए अभी से बनाने में लगी हुई है ये। तो फिर उन्होंने जो है माजरत दी कि नहीं आई मैं रोटी सेक देती और लगाए तो नान जाती, इस तरीके से। तो खैर वो एक बार जो है नवाब आसिफुद्दौला के ज़माने में एक बावर्ची दिल्ली का जब पहुंचा तो वहाँ पहुंचने के बाद जो है नवाब साहब ने उसे तलब किया कि ये क्या पका लेते हैं। तो उसने कहा कि नवाब साहब मैं माश की दाल जो है वो पका लेता हूँ। तो नवाब साहब ने कहा ठीक है हम तुम्हें रख लेंगे। तो बावर्ची था उसने कहा जी मेरी 2 शर्तें हैं रखनी, मैं तभी जो है आपके यहाँ जो है मुलाकात करूँगा। एक शर्त ये कि 500 रुपये महीने की, और दूसरी शर्त ये कि अगर आपको दाल खानी हो तो आप 2 दिन पहले मुझे बताइएगा, और जैसे ही मैं आपको बोलूँ तो फ़ौरन आके नोश फरमा लीजिएगा। नवाब साहब ने हाँ कर दिया। अब जो है एक रोज़ जो है तकरीबन 2 महीने बाद जो है नवाब साहब को दाल खाने का शौक़ हो। तो नवाब साहब ने जो है उसको बता दिया 2 रोज़ पहले। अब वहाँ बावर्ची ने जो है वो प्रबंध करना शुरू किया और पूरे जो है वो दाल पकनी शुरू हुई। जब दाल पक के ख़त्म हो गई तो फिर जो है बावर्ची ने किसी को भेजा नवाब साहब को बुलवाने के लिए। अब नवाब साहब कहीं जो है वो मसरूफ़ थे, वो नहीं आए। दूसरी बार भेजा फिर नहीं आए, तीसरी बार बेचारा फिर बावर्ची वहाँ पहुँचा तब नहीं आया। तो बावर्ची को ज़रा गुस्सा आ गया, तो बावर्ची आया उसने हांडी ली और फेंक कर जो है वो वापस दिल्ली आया। इसके बाद नवाब साहब को बड़ा अफसोस हुआ। उन्हें इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि दाल वेस्ट हो गई, उन्हें अफसोस इस बात का हुआ कि इतना अच्छा बावर्ची हाथ से निकल गया। उसके पीछे रीज़न ये था, ये कहा जाता है कि जिस जड़ में जिस एक सूखे दरख्त में जो है वो दाल फेंक कर गया था वो कुछ रोज़ बाद जो है वो हरा भरा हो। तो उनकी दाल में जो है इतनी कुव्वत थी, इतनी ताकत थी कि सूखे को भी जो है वो हरा भरा कर। दिल्ली के जो बावर्ची थे वो इस तरीके से बड़ा मशहूर थे। अब दिल्ली का एक बावर्ची जो है वो एक शहजादे साहब के यहाँ जो है वो नौकर हुआ। तो शहजादे साहब के लिए जो है वो 30 सेर घी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप सोच से ही कमा। 30 सेर घी में 6 पराठे पकाता था। इतने खस्ता होते थे, मतलब जो है घी भरना 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 और पूरा 30 सेर घी जो है वो 6 पराठों में खपा देता। अब जो है जो दरोगा थे वो जो है वो निकले देखने के लिए कि भैया इतना घी जाता कहाँ है। तो गए, उन्होंने देखा कि वो करता क्या है कि वो घी लगाता है फेंक देता है, घी लगाता है फेंक देता है, घी लगाता है फेंक देता है। तो दरोगा ने उससे पूछा कि आप ये बाकी का घी भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने कहा कि जी तो जल गया, घी कहाँ आए, तो तेल हो गया ना। तो जो है दरोगा बड़ा गुस्सा हुआ और उसने जो है उसका घी बंद कर दिया, कहा कि तुम्हारे 6 पराठों के लिए सिर्फ 6 सेर घी मिलेगा। अब वो मान गया इस बात में। अगले दिन जब उसने पराठे बनाए तो वो लेकर जो है वो शहजादे साहब के सामने पहुंचा। तो शहजादे साहब ने जैसे ही जो है वो उसको चखा तो मज़ा नहीं आया। तो उनसे पूछा कि आज कुछ कमी है। तो उसने बताया कि जी पूरे इतने सेर 24 सेर घी की जो है इसमें कमी है। तो उन्होंने जो है कहा कि ये बाकी घी तुम्हें मिलता है तुमने लगाया क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि जिस खासे के जो दरोगा हैं उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने बुलाया गया तो ये कहा तो मतलब शहजादे साहब जो उन पर टूट पड़े और उन्हें जूतियों से बहुत मारा कि तुम जैसे लोग जो है पूरा मुल्क हड़ पे ले रहे हो, हम थोड़ा सा घी खा लें तो तुम्हें मौत आ जाएगी। तो दोस्तों ये दिल्ली वाले थे और अक्सर ये कहा जाता है कि दिल्ली वाले जो थे वो उनकी हालत से निवाला न गुजरता था कि अगर बाजू वाला जो घर है उसमें कोई शख्स जो है भूखा सो। खैर दिल्ली के खानों का जितना जिक्र करें उतना जो है वो कम है। अच्छा, मुर्ख पकाने की भी कला होती थी। होता ये था कि मुर्गा जो खाया जाएगा वो ऐसे खाया जाएगा कि जिस मुर्गे को लाल किया जाएगा उस मुर्गे को क्या खिलाया जाएगा, उस मुर्गे को खिलाई जाएगी ज़ाफ़रान की गोलियाँ, केसर की गोलियाँ, कस्तूरी, कि जब जो है हलाल को और पकती आए तो उसमें खुशबू जो है वो अलग ही। अब जिक्र करते हैं हम लोग खांड और नक्काल। वर्ड सुने, आजकल बहुत बेहुदा तरीके से इनका इस्तेमाल होता है और बहुत ओछा समझा जाता है इनका। बिल्कुल। सो खांड और नक्काल जो होते थे आप उनको कह सकते हैं थिएटर आर्टिस्ट आज की ज़बान में। और वो लोग जो आपका मनोरंजन करते थे ये वो लोग होते थे कि जो है अलग अलग तरह के मुँह बनाते थे और जो है अलग अलग भेष धारण करके जो है आपको जो है सच्चाई का आईना दिखाते हैं। मतलब एकदम कोई स्टोरी आपको सुना दी और ऐसे होते थे कि किसी भी गली मोहल्ले में चौराहे पर बैठ गए तो वहाँ पेड़ लग जाते। तो एक बार क्या हुआ है कि बादशाह हुए, बादशाह शाह आलम मतलब अकबर, उसके बहादुर शाह जफर के परदा जिनका नाम था आलमगीर सानी। तो ये ज़माना था 1754 के आसपास का। तो एक ग्रुप था भांड का और वो क्या कर रहे थे कि जो मेन जो भांड का मतलब था वो लीडर, उसने बादशाह का जो है वो चोगा पहना, बादशाह जैसे भेष धारण किया और बाकियों को दरबारी बनाया और चौक में जो है बादशाह सलामत को गाली देनी शुरू कर दी और खूब बुराई की, खूब बुराई की, खूब बुराई की। इतने में जो है बादशाह सलामत का जो है वो एक सिपाही वहाँ से गुजरा, उसने देखा तो फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया। अब होता ये था कि वो क्यों कर रहा था, क्योंकि ये वाले जो बादशाह थे ये बहुत नरम दिल थे, बहुत ज़्यादा नरम दिल और कमज़ोर, बहुत मतलब इनमें फैसले लेने की हिम्मत नहीं थी अपने बुजुर्गों की तरह। तो ये जो भांड और नकाल का जो ग्रोह था ये लोगों को सच्चाई का आईना दिखा रहा था कि भैया इनको बदलो, किसी और को लाओ। अब जो है सिपाहियों ने इन्हें गिरफ्तार किया और जो है इनको जो है पेश किया बादशाह सलामत के सामने। तो बादशाह ने पूछा, पहले तो देखा कि मेरे जैसा जो है इसने भेष धारण किया हुआ है, ये है कौन और इनका जुल्म क्या है। तो उन्होंने बताया कि बादशाह सलामत ये आपकी जो एक तरीके से हुकूमत कर रहे थे, आपकी बुराइयाँ कर रहे थे। तो बादशाह सलामत ने हुक्म दिया कि ऐसा करो कि जो वहाँ कर रहे थे वो यहाँ करके दिखाओ। तो वो डर गए। अब बादशाह बेशक कमज़ोर हो, बादशाह होता है। तो उन्होंने जो है वहाँ करना, वो जब हुक्म हुआ, हुक्म शाही आया तो उन्होंने वो ड्रामा किया और इतना किया कि बादशाह सलामत की आंखें खुल गई और वो बहुत हंसे और उन्होंने फिर जो जितने भी अपने मंत्री और वजीर थे सबको लताड़ा। तुम लोग जो है फालतू की इतनी जो है वो तनख्वाह लेते हो और कभी तुमने मुझे सच्चाई से रूबरू नहीं कराया। और उस दिन के बाद से जो है वो बादशाह सलामत बिल्कुल बदल गई। अब एक बार की बात है, ये बात है शाह आलम, ये मोहम्मद शाह रंगीला के ज़माने की, उस ज़माने की जिसमें जो है नादिर शाह दिल्ली आया था। तो एक बार हुआ ये कि बादशाह सलामत जो है एक करेला नाम का एक नक्काल था जिससे नाराज़ हो गया और हुक्म हुआ कि दिल्ली के जितने भी भांड हैं उन सबको जो है वो दिल्ली से मतलब हमारी सल्तनत से बाहर निकाल दिया जाए। अब करेला भांड जो था वो बेचारा करेगा निकल तो गया। अब एक रोज़ जो है दिल्ली से बाहर जो है दीवार से बाहर जब निकले बादशाह सलामत तो उनकी सवारी जो है वो निकली तो देखा एक जगह से ढोलक की आवाज़ आ रही। तो जब ढोलक की आवाज़, अच्छा एक बार आप एक कबूतर देख लिए ठीक, इनका जिक्र आएगा। तो बादशाह सलामत ने देखा कि ढोलक की आवाज़ आ रही तो देखा कि खजूर के पेड़ पर जो है वो करेला जो भांड था वो ढोलक बजा रहा है अपने साथियों के साथ। उन्होंने बादशाह सलामत ने पूछा कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ से सबसे निकाला गया। तो उस करेले भांड का कहना ये था कि बादशाह सलामत आपकी सल्तनत कहाँ नहीं है, आपकी सल्तनत तो हर जगह है, आपकी सल्तनत आपकी छोड़कर जो है स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, हमें स्वर्ग जाने के लिए पहली सीढ़ी है। बादशाह सलामत ने पूछ लिया कि हाजिर जवाबी से जो है वापस जो है इजाज़त दे दी दिल्ली में रहने की। एक बार जो है एक सेठ जी थे, उन्होंने जो है भांड नक्कालों को बुलाया और रात में खूब महफिल जमी। तब उनको जो है ऐसे तरकाना चाहते थे तो उन्होंने जो है पुराना शॉल जो है उनको दे दिया। अब जो है नक्काल जो थे वो शॉल यूँ देखे देखो इसका रंग पीला है, अरे नहीं नहीं इसका रंग तो सुर्ख है, अरे नहीं नहीं इसका रंग तो नीला है, देखो इसमें से आसमान नज़र आ रहा है। समझ आया, मतलब पुराना था वो कि उन्होंने उन्हें भाप लिया कि ये पुराना है और फिर जो है सेठ जी को जो है शर्मिंदा किया कि आपने हमें पुराना शॉल दे दिया। सेठ जी बड़ा शर्मिंदा हुए, उसके बाद दूसरा शॉल उन्होंने दिया। एक बार जो है एक नवाब साहब थे, उन्होंने भी जो है ऐसी महफिल रखी। तो महफिल में जो है जब बर्खास्त हुई तो उन्होंने भी जो है उसको टरकाने के लिए एक जो है तुशाला दे दिया। तुशाला क्या था, उसमें जो है वो हल्का सा फटा भी हुआ। तो एक नक्काल ने क्या किया, उसको देख कर जो है पढ़ने की कोशिश करने लगा, इसको कुछ लिखा हुआ है। तो आपने पूछा कि क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मीन्स ए खुदा एक है। तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, कहते हाँ क्योंकि ये जो है रसूल खुदा से पहले के ज़माने का शॉल है। पहले जब प्रॉफिट मोहम्मद आए तब जो है तब तक सिर्फ ये था ला इलाहा इल्लल्लाह खुदा एक है। जब प्रॉफिट मोहम्मद आए तो जो है वो इसमें मोहम्मद और रसूल अल्लाह ये ऐड हुआ कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो खुदा के पैगंबर रसूल मैसेंजर है। तो उन्होंने कहा कि ये तो जो है पैगंबर मोहम्मद से पहले का शॉल है। तो नवाब साहब जो है वो बड़ी महफिल में बड़ा शर्मिंदा हुए और वो दे दिया गया। खैर अब बात करते हैं यहाँ पर मुजरे की थोड़ी। दोस्तों दिल्ली में जो मुजरे का जो कल्चर रहा है वो बहुत मशहूर रहा है और जो मुजरे का जो असल मीनिंग है वो है उसका मतलब है सलाम करना। और अक्सर होता ये था कि बादशाहों के ज़माने में अगर कोई बारियाबी की इजाज़त चाहता था, मिलने की इजाज़त चाहता था तो ये कहा जाता था कि फला शख्स जो है मुजरा बजाना चाहता है और वो आते थे और कोई मिलने की इजाज़त था। तो अदबगाह होती थी जहाँ बादशाह सलामत बैठते थे, उसके आगे जो है छोटा सा एक जगह होती जिसको आदब कहा बोलते थे, मतलब उससे आगे आप जा नहीं सकते। तो वहाँ आने के बाद जो है जो भी आता था वो कॉर्नेट बजाता था और कहता था कि मैं मुजरा बजा लाता हूँ। तो बाद में जो रक्कासाएँ हैं तो असली मीनिंग तवायफ भी नहीं है, ना मुजरे वाली रक्कासाएँ नाचने वाली अदाकारा जो वर्ड है। तो वो आके कहती थी नाच करने से पहले, शुरू करने से पहले कि मैं मुजरा बजा लाती हूँ, आपकी इजाज़त हो तो शुरू किया। तब वहाँ से जो है ये वर्ड मुजरा जो है वो वजूद में आया और ये इतना वजूद में मतलब इतना ज़्यादा हावी हो गया कि रक्कासाओं ने जो है इसको अडॉप्ट कर दिया। दिल्ली में जो है चावड़ी बाज़ार वाला जो इलाका है उसको बाज़ार-ए-हुस्न बोला जाता था और वहाँ जो है एक ज़माने में ये मुजरों की महफिल हुआ करती थी। अब तवायफें जो हम सुनते हैं वो ये सिर्फ नाच गाने और मनोरंजन करने के लिए ही नहीं थी, ये टीचर भी हुआ करती थी, उस्तादन भी हुआ करती थी। और अक्सर अमीर रईस लोग, सेठ लोग, नवाब लोग, ठाकुर लोग जो हैं अपनी औलादों को तहजीब और अदब सीखने के लिए जो है इनको ऊपर भेजा करते थे। और अक्सर ऐसा होता था कि जो है मतलब वहाँ जाने के बाद जो है वो बच्चियाँ भी जाती थी छोटी छोटी और उनको सिखाया जाता था कि पत्ता कैसे डालना है, या कोई सामने बैठा है तो उठना कैसे है उनके सामने, अगर कोई पान खाना चाहता है तो पान की पेश कैसे करना है, अगर मतलब इस तरीके की चीज़ें जो है वो सिखाई जाती थी। एक बार जो है नवाब साहब ने जो है अपना एक लौंडा जो है वो तहजीब तमीज़ सीखने के लिए भेजा। अब वो होता ये था कि वो सिर्फ तकता रहता था, जो उनकी जो उस्ताद थी वो सिर्फ उनको देखता रहता था। तो जो है वो उन्होंने खत जो है वो उनके फादर को लिखा कि आपका बेटा जो है माशाल्लाह ज़्यादा बड़ा हो गया है और जो है अब मैं इसकी अम्मा की उम्र की हूँ, पर ये जब मैं इससे पूरी तकरीबन तभी की बात करती हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ तकता रहता है, तो आप बहरहाल अब इसे जो है वो रोक नवाब साहब ने उसको रोक। एक बार जो है एक सेठ जी हुए लाला चुन्ना में, उनके यहाँ पर जो है महफिल इसकी नाच गाने की, तो मुश्तरी और जोहरा दो बहुत मशहूर रक्कासाएँ थी दिल्ली के इतिहास में। और ये कहा जाता है कि जो तवायफें होती थी वो हाजिर जवाबी में एकदम अव्वल होती थी। तो जो मुश्तरी बाई थी वो प्रेग्नेंट, और ये इस बात की खबर जो है एक लौंडे को लग गई। तो वहाँ पर जो है जब वो डांस हो रहा था कि तो पीछे से जो है उसने उनको ताना कसना शुरू किया उस लड़के ने। तो मुश्तरी के लिए जो है उसने बोला कि हमल, हमल मतलब होता है प्रेगनेंसी, हमल 9 महीने का है मुश्तरी को, हमल 9 महीने का है मुश्तरी को, बस कुछ रोज़ में लड़का हुआ चाहता है। मुश्तरी बाई जो थी उन्होंने जो है इस शेर का मतलब तो समझा, थोड़ा गुस्सा भी आया, तो उन्होंने जो है अगला मिसरा उनकी तरफ भेजा कुछ इस तरीके से कि करो कुर्ते टोपी की तुम तैयारी, करो कुर्ते टोपी की तुम तैयारी के हरम के हम शराज़ादा हुआ चाहता है। तो हम शराज़ादा मतलब होता है भांजा, और अक्सर जो है जो मामा जो होते हैं वो कुर्ता टोपी लेकर जाते हैं अपनी बहन के यहाँ अगर कोई बच्चा होता है। तो वो लड़का जो था बेचारा चुप हो गया, बहुत अच्छी खासी चपत लगी। तो इस तरीके की महफिलें होती थी। और फिर बाद में जो है ताराबाई नाम की एक कवायत रही, और उसके बाद से जो है चावली बाजार से शिफ्ट करके पूरा इलाका जो है वो टीवी को भेज दिया गया, जहाँ फिर कवायतों का जो है ख़त्म हो। जी बिल्कुल। आगे तो आप लोगों ने कभी तानरस खान साहब का नाम सुना है? कुछ कह दो, हाँ मेरा दिल रखने के लिए कह दो। तानरस खान साहब का नाम नहीं सुना आपने? तानरस खान साहब का नाम नहीं सुना, मतलब ये मतलब क्या मतलब म्यूज़िक सुनना छोड़ दिया है या हनी सिंह हावी हो गए हैं? तो तानरस खान साहब जो थे वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े गवैये थे। मतलब जिस तरीके से लोग तानसेन का नाम लेते हैं उसी तरीके से जो है वो लोग तानरस खान को जो है मतलब उनका नाम बड़े अदब से लेते हैं। तो तानरस खान साहब जो थे वो दिल्ली के पुराने गवैयों के ख़ानदान से थे, और जिनका नाम था कुतुब बख्श। अब इनकी पैदाइश जो है वो हुई 1806 के आसपास, थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे। बचपन से जो है इन्होंने गाना वाना शुरू किया, और जब बहादुर शाह ज़फर तो उनके फादर ने अगला बादशाह में बुलवाते थे, और जो है उनको गाना सुनते थे। हर दूसरे तीसरे रोज़ जो है महफिल जो है वो चलती थी, और वहीं से जो है उनको तनख्वाहें वगैरह जो है दी जानी थी। एक बार क्या हुआ कि बहादुर शाह ज़फ़र के एक भाई थे जिनका नाम था मिर्ज़ा बाबर। तो होता यह है ना कि मैं अगर युवराज हूँ तो मेरा भाई कितना भी मेरा सगा हो पर कहीं ना कहीं हल्की सी रंजिश रहेगी। तो मिर्ज़ा बाबर जो थे वो वली अहद बहादुर शाह ज़फ़र अबू ज़फ़र से जो थोड़ा सा गुस्सा रहने लगे। तो एक बार हुआ ये कि अपने शिकारी कुत्तों के साथ खड़े हुए थे, और दोनों को ऐसे लेकर जो है वो यूँ करके खड़े हुए थे कि आज यहाँ से जो है तानरस आएँ तो बताएँ। तो क्योंकि कुछ रोज़ पहले ही तानरस साहब को जो है मिर्ज़ा बाबर ने जो है अपनी देवड़ी पर बुलाया था, पर वो वहाँ पहुँचे नहीं। और वहाँ से जो है जब महफिल ख़त्म हुई तो तानरस जो है वो बाहर निकले, देखते क्या है तो सामने जो है मिर्ज़ा बाबर खड़े हुए हैं, वो भी दो शिकारी कुत्तों के साथ। अब बेचारे तानरस साहब गवैये थोड़ा सा कमज़ोर दिल डर गए। बहुत देर तक तो खड़े रहे। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा जैसा जो होगा देखा जाएगा। तो उन्होंने अपना चेहरा ढका और चेहरा ढककर जो है वो वहाँ से कभी-कभी के साथ निकल गए। इतने में जो है वहाँ से मिर्ज़ा बाबर ने जो बड़ा एक भद्दा सा वर्ड जो है इस्तेमाल किया और जो है उसको बुलाया। तो फ़ौरन जो है उनकी हिस्से बन गई और वो फ़ौरन जो है वो वहाँ मिर्ज़ा बाबर के सामने पहुँचे और जो उन्होंने हाथ जो है वो जोड़ लिए। मिर्ज़ा बाबर ने कहा कि कहाँ मुँह छुपाए जा रहे हो, 2 रोज़ पहले तुमको बुलाया था, तुम रहेगा। उसके साहिब आलम की तबीयत जो है ज़रा ख़राब हो गई। साहिब आलम जो थे उनको मालूम था कि 2 रोज़ पहले भी ये जो है ये वली अहद के महल में जो है वो गाना बजाना कर रहे थे। उन्होंने जो है अपने दोनों कुत्तों को थोड़ा सा पुचकारा, छोड़ दी। अब जैसे ही छोड़ा, जैसे ही जो वो दोनों कुत्ते तानरस के सामने आए और उसको जैसे ही झटने वाले थे, फ़ौरन जो है वो ज़बान से निकलना शुरू हो गया, साहिब आलम माफ़ फरमा दीजिए, वली अहद ने रोक के रखा सलामत जो है वो प्यारी बेगम नाम की रक्कासा। तो प्यारी बेगम पे जो वो प्यारी बाई पे जो है वो मरकज। तो इतने में हुआ ये कि बादशाह सलामत को खबर हुई कि तानरस खां साहब और प्यारी बेगम के तरीके, और जैसे ही ये बात दरबारियों में आम हुई तो तानरस खां साहब को जो है निकाल दिया। बेचारे तानरस खान साहब जो है एकदम बेरोजगार हो गए। 2 रोज़ बाद जो है एक चौबदार आया, उसने कहा कि भैया तुम्हारे जो नाम नामी और तुम्हारी तनख्वाह जो है और वो ऐसी मुकर्रर नहीं है, पर अब आपको गाने की इजाज़त है। बेचारे तानरस साहब करते ही क्या, यहाँ से निकले और निकलने के बाद जो है अलवर के जो ठाकुर साहब थे उनके यहाँ गाना गाया, फिर जयपुर गए, जयपुर से फिर जोधपुर गए और राजपुताना में जो है उन्होंने। इसलिए जो है तानरस साहब तो जो है दिल्ली के लोग कम और राजपुताना के लोग ज़्यादा जानते हैं। तो अगर आप राजस्थान चले जाए तो वहाँ के मम्मी खान साहब और जितने भी लोग हैं, एवरीबडी यू नो लाइक वो दे क्लेम दैट दे बिलोंग टू यू नो तानरस खान साहब की फैमिली। अब वहाँ से निकलने के बाद जो है हैदराबाद पहुँचे और हैदराबाद में जो है महबूब अली खान साहब जो है उस वक्त जो है हाकिम थे वहाँ के, उनके दरबार में जो है वो आए और वहाँ आने के बाद जो है वहीं उनका इंतकाल हो गया। तो तानरस साहब के जो 2 बेटे थे उन्होंने जो है वहाँ पे मतलब कुछ वक्त के लिए उनको दफनाया और फिर सोचा कि चलो वापस इनको दिल्ली ले चले और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में जो इनको दफना है। महबूब अली खान साहब जो थे उन्होंने कहा कि क्या खुदा सिर्फ दिल्ली में मिलता है, हैदराबाद में नहीं मिलता है। ये इस बात का उनके बेटों के पास कोई जवाब नहीं था। तो तानरस खान साहब की आज भी जो मज़ार और कब्र है पर कर रहा है। ओके, सो हम लोग अगर बात रवादारी की ना करें तो ये महफिल जो है वो ख़त्म नहीं होगी। उससे पहले जो है मैं एक चीज़ आप लोगों को देना चाहता हूँ। पहले होता ये था कि बहुत ख़ास मेहमान जब घर में आते थे तो उनको दीवान खाने में बिठाया जाता था और दीवान खाने में जो है उनके सामने पान पेश किया जाता था। और बहुत ज़्यादा अगर कोई खास मेहमान है तो उसको जो है इलायची सिल्वर को दी जाती है। सॉरी, यहाँ पे चांदनी नहीं है, दाऊद की नहीं है। इलायची को बैलेंस एक्ट प्लीज़ पास कर दीजिए। और ये इलायची चांदी की तलखड़ी में नहीं, बाबा इलायची है, तो आप थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा जो है जब मेहमान आते थे तो उनके हाथों पर कलाई पर जो है वो इत्र लगाया जाता है खुशबू के लिए। तो प्लीज़ आप वो भी जो है वो पास कर दीजिए और थोड़ा सा फील जो है वो लीजिए। एक बार की बात है कि एक लाला जी जिनकी रफू की दुकान थी चाबी बाजार और उनके नवाब जो है बहुत अच्छे दोस्त थे, तो तो जब उन नवाब साहब का इंतकाल हुआ तो जो है वो बड़े मतलब परेशान हुए कि भैया इनका जो लौंडा है मतलब नई जनरेशन जो आज हम लोग बोलते हैं वो पता नहीं हमसे सलाम दुआ रखेगा नहीं रखेगा, रखेगा नहीं रखेगा। पर उनका जो लड़का था वो बल्ली मारान से आता था घोड़े पर और चावड़ी बाजार में जो है वो रुक कर जो है लाला जी को आदाब बजाना नहीं भूलता और वो चला जाता था। एक रोज़ जो है हकीम साहब जो है वो लाला जी की दुकान पर आए तो लाला जी जो है उसे उस लौंडे का जिक्र कर रहे थे कि देखो लड़का इतना नेक है कि जो है मतलब इतना बड़ा नवाब होने के बावजूद जो है वो मुझे जो है वो इस तरीके से सलाम करके जाता है। तो उसी दिन हुआ ये कि वो लड़का जो है निकल गया घोड़े पर जो है उसने ना लाला जी को देखा ना उनकी दुकान देखी। तो लाला जी की तरफ हकीम साहब ने देखा और कहा कि देखो ये नया ज़माना है। देखिए अरस्तु हुआ एक शख्स था अरस्तु जो स्पीसीज़ में उसने भी ये कहा कि आने वाली जो नई जनरेशन है वो किसी काम की नहीं है। तो हर ज़माने में जो है पुराने लोग हैं वो नई जनरेशन को पूछते हैं। सामने कहा कि ये नए ज़माने के लोग हैं ये अब आपका आदाब नहीं बनाएगा। तो वापस जो है लड़का आया घोड़े से उतरा और दुकान के अंदर पहली दफ़ा दाखिल हुआ वरना हमेशा घोड़े पर जो है वो आदाब किया करता था। और लाला जी ने जो अंगरखा पहना हुआ था उसको चूमा अपनी आंखों से लगाया और कहा कि लाला जी माजरत चाहता हूँ आज मैं ना जाने कहाँ खोया हुआ था इसलिए आपको सलाम करता हूँ। तो ये दिल्ली की रवादारी होती थी। होता ये था कि लोग जो है जो हिंदू होते थे तो मुसलमानों को मिर्ज़ा साहब और जो है भैया पर जो है वो बुलाया जो मुसलमान होते थे वो हिंदुओं को जो है वो लाला जी कहकर जो है वो बुलाया करते थे। एक मूवी है जिसका नाम है न्यू है आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा बहुत पुरानी मूवी है और उसमें जो है दिखाया गया है कि दिल्ली के जो लाला होते थे उनकी शान होती थी कि सूट तो पहना हुआ साथ में पगड़ी पहनी और उनकी बातों का एक मोल होता था आन बान शान। तो बताता हूँ कि हुआ ये कि एक बार जो है लाला जी का नौकर तरबूज लेने के बाजार में निकला। अब जो है एक नवाब साहब का भी नौकर बाजार में तो लाला जी के जो नौकर था उसने जो है वो तरबूज कुछ दोगनी तीगनी कीमत पर देकर जो है वो तरबूज जो नवाब साहब के नौकर को पसंद था वो खरीदे। अब जो है वहाँ जाके लाला जी का नौकर था वो सेठ जी के सामने कि लाला जी देखो मैंने जो है उस बड़ा नवाब के नौकर को जो है वो नीचा दिखा दिया। तो लाला जी ने जो है उसको बहुत सख्त डांटा और ख़ुद जो है उस तरबूज को लेकर जो है नवाब साहब के सामने और कहा कि बा माजरत ये तरबूज जो है आधा आप रख लें और जो है मैं अपने नौकरी की तरफ से आपसे जो है मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो मतलब फूलों को तोड़ना भी समझते थे गुनाह। आज तो दिल बड़ी आसानी से तोड़ दिए जाते हैं। ये वो ज़माना था जब सारे त्यौहार जो है मिलजुल कर जो है वो मनाया करते थे। लास्ट एक त्यौहार का जिक्र मैं करूँगा जिसका नाम था फूल वालों की सैर। तो फूल वालों की सैर जो है वो हुआ ये कि एक शहजादा था और वो शहजादा था बहादुर शाह जफ़र का भाई जिसका नाम था मिर्ज़ा जहांगीर। और उस शहजादे के बारे में कहा जाता है कि बाबर जैसी दिलेरी उसके अंदर औरंगज़ेब जैसी कूटनीति और अकबर जैसी सोच लेकर जो है वो पैदा हुआ था। और तकरीबन 12-13 साल की घुड़सवारी में वो जौहर दिखाता था कि जितने अंग्रेज होते थे अगर अंग्रेजों के साथ जो है वो निकलता था घुड़सवारी करने के लिए तो इतना आगे निकल जाता था कि अंग्रेज जो है वो पीछे रह जाता था। और अक्सर जो है वो शर्त लगाया करता था बड़ी से बड़ी खाइयाँ जो है वो घोड़े से खुदा दिया करता था और हमेशा जो है वो तलवारबाजी किया करता था बंदूकबाजी में जो है अव्वल हुआ करता था। अंग्रेज़ों को लगने लगा कि अगर ये बादशाह हो गया तो मुल्क जो है हमारे हाथ से निकल जाएगा क्योंकि उसके अंदर वो सारे लक्षण थे जो पहले के बादशाह। तो हुआ ये कि एक जो है एक सैटिन साहब नए जो है रेजिडेंट बनकर जो है दरबार से वो दिल्ली आए। तो दिल्ली जब आए तो उनको वो लूलू कहकर पुकारता तो एक बार उनको लूलू कहकर पुकारा तो रेजिडेंट साहब ने जो है वहाँ पर लाल किले में लोगों से तो जो लोग थे नमक ख्वार थे उन्होंने कहा कि लूलू का मतलब होता है सच्चा मोती और ये अरबी का एक लफ्ज़ है। तो रेजिडेंट था वो बड़ा खुश हुआ और तो उसके बाद अगली बार भी जब लूलू कहकर पुकारा तो कोई और नमक हराम मिल गया नमक ख्वार की जगह उसने जो है उसका असली मतलब जो है बता दिया कि लूलू एक फर्जी बहा का नाम है जहाँ जो है दिल्ली वाले जो है बच्चों को डराते हैं। मुझे बहुत डराया गया है बचपन में, आई डोंट नो आपको। तो जो रेसिडेंट था वो बड़ा वो मतलब एक कातिलाना हंसी कहते हैं, मुस्कुराहट, ये हाँ मतलब मैं लुलू हूँ और मिर्ज़ा साहब जो है वो बच्चे हैं, मैं उन्हें एक दिन ज़रूर डराऊंगा। एक रोज़ जो है नक्कार खाने की छत पर, मतलब उस शहज़ादे पर तो मैं मर मिटूँ, मतलब ऐसा शहज़ादा, मतलब 14-15 साल की उम्र में जो है मतलब दिल्ली के लोग उससे पनाह मांगते थे। मिजाज उसका आग, मतलब खुद उसके जो फादर थे वो मतलब इतना ज़्यादा उस पर मतलब फ़ख्र करते थे कि उनका बस चलता तो सिर्फ उसी को बादशाह बनाते। पर अंग्रेज़ जो थे उनको जो है बहादुर शाह ज़फर का जो मिजाज था वो थोड़ा सूफियाना, थोड़ा शायराना लगा, उनको लगा कि बादशाह जो है दबा रहे। ड्रम हाउस लाल किले के छत पर जो है वो बंदूक लेकर खड़े हुए थे। तो जैसे ही जो है ये ब्रिटिश रेजिडेंट वहाँ से निकले तो ना जाने इनको क्या खुराफात सोची, लेकर जो है निशाना साधा पर अंग्रेज़ी इकबाल विका, वो सिर्फ जो है उनके सर की टोपी जो है वो नीचे गिर गई। शायद वो टोपी ही गिराना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि तुम्हारी जगह कहाँ है। वो बड़ा गुस्सा हुए, फ़ौरन जो है बाहर निकले और सिविल लाइन्स एरिया में जहाँ उनकी फौजी थी वो लेकर आए और तो खाने के साथ जो है लाल किले को घेर लिया पूरी तरीके से। पर एकदम से उन्हें रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने किसी की परमिशन नहीं ली है, पर जब तक जो है वहाँ से हमला ना होगा मैं नहीं करूँगा। यहाँ भी जो है मिर्ज़ा साहब बेशक छोटे थे पर सिपाही जो है उनके बड़े फरमाबरदार थे, उनकी बातें मानते थे। वो भी जो है वो लाल किले की फासिल पर जो है वो खड़े हो गए और वहाँ से उन्होंने जो है वो निशाना साधा। यहाँ से जो है वो जंग जो है वो शुरू हुई और फिर उसके बाद दरवाजे से जो है एकदम निकलती हुई तोपें जब अंदर लाल किले में घुसी तो जो है उस सैकल में जो है एक शेर पड़ा। वो शेर ये था कि हम नहीं आए आ तो सारा ज़माना पहुँचा है, हम नहीं आए आ तो सारा ज़माना पहुँचा है, फूक दे सबको ज़मी हूँ आत्मा हूँ। जस्ट इमेजिन कि ब्रिटिश एक्सेंट में वो कैसे वो शेर पढ़ा होगा उन्होंने। और वहाँ पहुँचने के बाद समहाउ वो जंग जो है मिर्ज़ा साहब हार गए और मिर्ज़ा साहब छोटे तो थे, कहीं ना कहीं जो है वो डरे और डरने के बाद अपने जो है हरम में अपने आप को छुपा लिए। वहाँ जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह सलामत अकबर शाह और अंग्रेज़ों के बीच में जो है क्रिटिसाइज हुई तो उनको जो है इलाहाबाद भेज दिया जाएगा। उनको इलाहाबाद भेज दिया गया और ये कहा जाता था कि जो भी इलाहाबाद जाता था वो ज़िंदा वापस नहीं आता। और यहाँ उनकी मदर ने जो है एक मन्नत मांगी कि अगर जो मेरा बेटा वापस आ जाएगा तो मैं यहाँ कुतुब साहब की दरगाह में एक चादर पेश करूँगा। एक कुछ साल बाद वो वापस आया और उनकी मदर ने कुतुब साहब की दरगाह में फूलों की चादर पेश की और लोगों का जोश देख कर जो है अकबर शाह सानी ने जो है योग माया मंदिर में भी जो है एक फूलों का पंखा जो है वो पेश किया। लोगों में और ज़्यादा जोश आ गया और फिर उसके बाद से ये मेला लगने लगा। शाहजहानाबाद से तो लोग वैसे ही यहाँ पर आके शिफ्ट हो जाते थे पर फिर उसके बाद उनके पास एक रीज़न आ गया यहाँ आने का। और फिर उसके बाद हर साल जो है फूल वालों की सैर, जिसको सैर गुल फरोशन कहा जाता है, उसका मेला जो है वो महरौली में लगने लगा। इसमें जो है महरौली के ऊपर एक पोयम भी है, वो मैं सुनाता हूँ। दैन के 50 सेकेंड और वो पोएम कुछ यूँ थी कि पहेलियों यक्कों का एक दाता है जिसको देखो वो खलकुल्ला क्यों खरोशा है। मतलब जो खल है मतलब आवा वो इतनी ज़्यादा शूट होकर नहीं, खलकुल्ला क्यों खरोशा है, आज दशहरे क्यों खरोशा है, पहेलियों यक्कों का एक दाता है जिसको देखो। आई जब्बू के सर पर है दुकान, जाते महरौली में बेचेगा पान, मियाँ गफूर भी इस मेले पर, लाए है सारा गुनबा ठेले पर, आप यादों के देखिए बूते, लिए हुए हैं बगल में जूते, लो आया कस्बे का मीना बाज़ार, लो आया कस्बे का मीना बाज़ार, सजी सजाई दुकानों की कतार, सजी सजाई दुकानों की कतार, हर एक मकान में भरा है माल, मिठाइयों के चुन रहे हैं थाल, दे बेचता है कोई बुढ़िया के बाल, सेब बेसन के और चने की दाल, कबाब सीख भुन रहे हैं कहीं, लोग कवाली सुन रहे हैं कहीं, नाच गाना हर एक मकान में है, इत्र के फोए सबके कान में है, ना बाम पर है नवाब मोटे से, न पकड़ ली उन्होंने कोठे से, लो आए बाजार में गिरधारी लाल, तूंद इतनी की दुश्वार संभाल, रईस है ये हाल है पल्ले, खरीदते हैं अंगूठी के छल्ले, रईस है ये हाल है पल्ले, खरीदते हैं ये अंगूठी के छल्ले, हंसी मजाक का अजब है दौर, चल रहा है शराब इंतखाब का दौर। बोतल एक आने वाली है, नवाब पुतली जाने वाली। मतलब इन वर्ड वन वर्ड फुल अय्याशी इन महरौली। एनीवेज 1857 के बाद जो है दाग देहलवी एक शायर रहे, उन्होंने जो है इसको फिर इन लाइनों में कहा कि 1857 की जो लड़ाई हुई, जो कुछ भी हुआ, वो किसी सल्तनत का खात्मा नहीं था, वो एक पूरे तमद्दुन की बर्बादी थी। तमद्दुन होता है वो कल्चर, ये वो कल्चर जो हमें सिर्फ बातों में और कहानियों में जो है सुनने देखने को मिलता है। लिखने वाले लिख गए और कहने वाले आज भी कहते हैं कि वो ज़माना गुजर गया और अब यादें माजी हैं, वो ज़माना लौट के नहीं आएगा, आप सिर्फ उसके ख्वाब देख सकते हैं। तो हम लोग बाहर चलेंगे। आई एम सॉरी, ये कार्ड थोड़ा परेशान कर रहा हूँ। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो आई सो बिफोर वी गो एंड मीट बहादुर शाह जफर फादर अकबर शाह एंड हुए यहाँ पे। सो दिस इज़ दैट लोकल ज़मीन जहाँ वो दफन होना चाहते थे। और जब सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मुहिम छेड़ी तो वो सबसे पहले जो है वो बर्मा गए और रंगून, वहाँ पर बहादुर शाह जफर की मज़ार के सामने खड़े होकर उन्होंने अहद किया कि अगर जो है हम लोग जीत जाएँ, अगर हम हिंदुस्तान वापस ले लें अंग्रेज़ों से, तो हम आपकी जो खाक है, आपके रेलिक्स जो है वापस हम लोग यहाँ ले आएंगे। ये जगह इतनी अजीम है, आपको ऐसी लग रही होगी उगली हुई टाइप्स। मतलब यहाँ कौन नहीं आया, यहाँ हर एक दुनिया से बड़ा बड़ा शख्स आया है। इनफैक्ट महात्मा गांधी से तो बड़ा कौन ही होगा, मेरी नज़रों में तो कोई नहीं है। महात्मा गांधी यहाँ पे पर्सनली इस जगह को विजिट करने के लिए आए थे आज़ादी के बाद। जब यहाँ दंगे हुए और इस दरगाह को पूरी तरीके से जला दिया गया तो महात्मा गांधी यहाँ आए और यहाँ आने के बाद जो है उन्होंने फतेहपुर साहब से माफ़ी मांगी और यहाँ पर जो है ये जगह विजिट। और तब से लेके अब तक आई डोंट थिंक सो कि आने वाले 2-4 साल बाद जो है जगह को कोई आएगा भी देखने के लिए। अभी ही आ जाते हैं आप लोग, आई डोंट नो आप लोग भी कैसे आ गए। दिल्ली में इतने इंटरेस्टिंग वॉक्स हो रहे हैं और मुझसे ये कहा गया था कि कुछ अच्छा कर लो, मैं कहा इससे अच्छा कुछ होने का। ज़फ़र महल, आप लोग ज़फ़र महल अकेले आएंगे तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, ग्रुप में इट्स ईजी। मैं देखते हैं मुर्गों की लड़ाइयाँ और कबूतर पालना वगैरह करते थे और पटेल की लड़ाई वगैरह। तो वो करते क्या थे कि मुर्गे जो है वो खास एक नस्ल होती थी जिनका नाम होता था असील, और उनके पंजों में जो है वो चाकू बांध देते थे और नोक को तराश देते थे और फिर उसके बाद जो है वो लड़ाइयाँ कराते थे। तो एक बड़ा पसंदीदा गेम होता था हैदराबाद, लखनऊ और दिल्ली वालों में। तो पहले ज़माने में शेरों की शेरों से लड़ाई होती थी, फिर उसके बाद दिल्ली वाले से इतने गरीब हो गए कि वो चिड़ियों को लड़ाने लगे। और कबूतरबाजी का शौक़ ऐसा था कि कई लोगों को ले डूब कबूतरों का शौक़। मतलब बहादुर शाह जफर के पास जो है कबूतर ऐसे थे, एक रेशम परा एक नस्ल है और उस दो कबूतर जो है वो 25,000 के जो है बहादुर शाह जफर ने जो है अपने वक्त में खरीदे। और ये कहते हैं कि तकरीबन 200 कबूतर जो है बहादुर शाह जफर जब निकलते थे बाहर तो वो उनकी हाथी के ऊपर जो है इस तरीके से छाँव करके जो है चला करते थे। और मुग़ल ख़ानदान के ही जो है एक साहब थे जिनका नाम था मिर्ज़ा चपाती। वैसे उनका नाम मिर्ज़ा फखरू था पर मिर्ज़ा चपाती ऐसे पड़ा कि जब 1857 में दिल्ली वाले दिल्ली छोड़ के भाग रहे थे और दिल्ली में हर जगह आग लगी हुई थी तो मिर्ज़ा फखरू जो है अपनी देवड़ी के अच्छा हो गए। तो जितने मुग़ल फैमिलीज़ वाले थे ज़रूरी नहीं था कि वो सारे लाल किले में रहे। लाल किले में अक्सर वही लोग रहते थे जो बादशाह के करीब होते थे और जो बादशाह के फैमिली मेम्बर होते थे, वरना मुग़ल को जो है पूरी दुनिया में जो है वो फैले हुए थे और दिल्ली के बाहर भी काफ़ी गरीबी में भी रहते थे। तो मिर्ज़ा चपाती जो है वो बाहर रहते थे, तो उन्होंने अपनी देवड़ी के सामने हवेली के सामने जो है वो देग पकवाना शुरू किया जिसमें जो है वो हलवा पकता था और एक जगह जो है वो चपाती पकती थी। तो जो भागता था ना तो वो जो है वो एक चपाती में ऐसे हलवा रख के जो उसको देते थे कि दिल्ली से जा रहे हो, वापस लौट के नहीं आओगे, भूखे पेट मत जाओ, आगे खाना मिले ना। तो तब से जो है उनका नाम मिर्ज़ा चपाती पड़ गया। एंड मिर्ज़ा चपाती अपने ज़माने के बहुत बड़े कबूतरबाज थे और ये कहते हैं कि अपने सारे मेला रखते थे जिसमें बहुत सारे कबूतर होते थे और गली में इस तरीके से लेने के घूमते थे। और जहाँ चाहते थे वहाँ से उड़ा देते थे और वापस जो है वो घूम के उनके पास ठेले पर आके पैर करते थे। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स दिल्ली की हिस्ट्री में हुए जिनके लिए यू नो बहुत एक वक्त चाहिए। कई बार लगता है कि एक दीवान खाना सजा लिया जाए पूरे दिन के लिए और आराम से बैठे हुए शरबत आ रहा है और यू नो चपाती आ रही है, हलवा आ रहा है और वी आर जस्ट डिस्कसिंग ऑल दीज फैक्ट्स। सो मैं एक और छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि देन विल मेक अ मूव। एक मिर्ज़ा कोवैश बहादुर थे, तो हम लोग जो हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं तो वो सिर्फ ये पढ़ते हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र को अरेस्ट किया गया हुमायूं के मकबरे से और उनके जो 3 बेटों को जो है मिर्ज़ा आतिफ सुल्तान और मिर्ज़ा मुग़ल और अबू बकर को जो है उनको मार डाला। पर हुआ क्या था एक्चुअली में, हुआ ये कि जैसे ही मेजर हडसन वहाँ पहुँचे हुमायूं के मकबरे पर तो उन्हें बाहर जो है, अब वहाँ बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स थे जिन्होंने पनाह ली थी, तो मिर्ज़ा कुवैश जो थे जो बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे थे वो वहाँ टहलते मिले तो उन्होंने फ़ौरन उनको गिरफ्तार कर लिया और बाहर लिया और मिर्ज़ा कुवैश को जो है वो खड़ा कर दिया अपनी फ़ौज के सामने कि आप जो है यहाँ से हिलेंगे नहीं। हडसन के अंदर एक खौफ भी था कि ये शहज़ादा है, बगावत कर सकता है, तो वो जो है उसको वहाँ खड़ के जो है अंदर चला गया बहादुर शाह ज़फ़र को अरेस्ट करने के लिए। तो पीछे जो है एक राजपुताना राइफल्स का एक वो था सरदार, उसने जो है वो शहजादे को देखा तो उसको थोड़ा तरस आ गया। उसने पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े, कहा कि जो है साहिब यहाँ खड़े करके कहते साहिब तो है नहीं ना और हमसे कहा नहीं गया है कि इनको देखना है, तो जहाँ मुँह हो निकल जाओ। तो उन्होंने जो है वो जहाँ उनका मुँह था हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह की तरफ वहाँ भागे। वहाँ भागने के बाद बहुत सारे मुग़ल फैमिली जो थी उन्होंने वहाँ पर पनाह ली हुई थी, औरतें बच्चे, वहाँ किसी ने उन्हें अपने पास नहीं रखा तो उन्होंने एक फ़कीर का चोगा डाला और यहाँ से भागते वो पहुँचे उदयपुर। और उदयपुर पहुंचने के बाद जो है वहाँ पर जो है वहाँ के ठाकुर साहब थे, उन्होंने जो है उदयपुर के राणा जी से जो है उनकी मुलाकात कराई। तो राणा जी मतलब अभी आई डोंट नो कि वाई वी डू नॉट डिस्कस दिस थिंग बट ना राजपुताना वी कैन नॉट यू नो इट्स इनकम्प्लीट डिस्कसिंग राजपुताना विदाउट मुगल्स एंड मुगल्स विदाउट राजपुताना। सो राणा जी ने जो है उनको पनाह दी पर आपको खुलेआम ऐसे पनाह नहीं दे सकते थे क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत उनके भी अगेंस्ट हो जाती है, तो उनको वहाँ पे एक रिहाइश दी गई रहने के लिए। कुछ वक्त बाद जो है लोगों को उनको ब्रिटिशों को पता चला कि वो वहाँ है, तो वहाँ वो जैसे ही आते थे तो राणा जी जो है उनको वहाँ से गायब करवाते थे। और कई बार जो है मतलब आखिरी वक्त में जो है मिर्ज़ा कुवैश बहादुर रोते रहे कि उनको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, पर जो है वो दिल्ली वापस कभी जा नहीं पाए और एज ए सन्यासी और फकीर ही डाइट है। तो बहुत कुछ हुआ था, वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि लाइक थोड़े से वक्त से डिस्क्राइब किया। सो लेट्स